हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस कैर सांगरी की सब्जी। बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत चटपटी होती है ये। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इसे। कैर सांगरी मैंने ली है 100 ग्राम। ये बिल्कुल सूखी मिल जाती है किसी भी किराने की शॉप पर, और इसको मैंने अच्छे से 5-6 बार खूब धो लिया था। उसके बाद मैंने 8 से 10 घंटे इसको भिगो दिया था पानी में, और भिगोने के बाद भी मैंने इसको 2-3 बार धो लिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने ली है अमचूर पाउडर। दही मैंने लिया है 1/2 कप। लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। 1/2 छोटा चम्मच जीरा। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 2 सूखी लाल मिर्च ली मैंने कश्मीरी वाली, और इनके एक मिर्च के 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और सब्जी बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। तो सबसे पहले हमें कैर सांगरी को उबालना है, तो मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें ये डाल देंगे। गैस को ऑन कर देते हैं। पानी डाल देती हूँ, कम से कम 2-2.5 कप पानी डाल देती हूँ मैं इसमें। पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक, तो थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच। अच्छे से चला लेंगे नमक डालने के बाद, और इसको ढक देंगे ढक्कन से कम 10 से 15 मिनट के लिए, और मीडियम गैस पे इसको पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, और हम इसका ढक्कन हटा देते हैं कढ़ाई का, और ये कैर सांगरी अच्छे से उबल गई है। गैस को ऑफ कर देते हैं, और अब हम कैर सांगरी को एक बाउल में छान लेंगे छलनी में, और 1-2 बार इसको और अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। हमने इसको कम से कम 15 बार ऑलरेडी धो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए, इनको मैंने एक छलनी में डाल दिया है, और इनका जो गंदा पानी है सारा ये नीचे आ गया है, और मैं इसको अभी 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी। तो सबसे पहले पैन को मैंने गरम कर लिया, और मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें, और अब मैं डाल देती हूँ इसमें जीरा। गैस को सिम कर देते हैं, और सूखी वाली लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और अमचूर पाउडर, सारी चीज़ों को डाल दिया और अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी। चला लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस टाइम हम मसाले डाल रहे हों उस टाइम हमारी गैस बिल्कुल सेम होनी चाहिए, नहीं तो मसाले भी जल जाएंगे। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये दही। दही से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। दही डाल के अच्छे से चला लेंगे। गैस को अभी मैंने बिल्कुल सिम ही कर रखा है। अब मैं गैस को मीडियम कर देती हूँ। अच्छे से चला लेंगे। नमक डाल देती हूँ मैं। नमक थोड़ा ही डाला है, क्योंकि उबालते टाइम भी डाला था कैर सांगरी में। अच्छे से पकने लग गया हमारा मसाला, और अब मैं इसमें ये कैर सांगरी डाल देती हूँ। अच्छे से इसको भून लेंगे अब। और अब बस सब्जी को हमें 3 से 4 मिनट तक और मीडियम गैस पे इसको भूनना है, क्योंकि हम सब्जी को जितना अच्छा भूनते हैं उतनी ही सब्जी टेस्टी बनती है। तो देखिए, 4 मिनट हो गए हैं, मैं सब्जी को कंटिन्यू भूनती जा रही थी, और अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। सब्जी हमारी तैयार हो गई है बनके, इसको हम एक बाउल में सर्व करेंगे। तो देखिए, कैर सांगरी की सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप भी कैर सांगरी की सब्जी को घर पे बनाइए, सबको खिलाइए, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।